अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया खान फ्रॉम amana.com एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हम इस चैनल के ऊपर डिफरेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं। और इसके अलावा आज मैं मौजूद हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर लाहौर में, और इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो बिल्कुल जनरल डिटेल्स हैं और पहले हम लोगों ने इसका साइट विजिट नहीं किया और इसकी डिटेल्स आप लोगों से शेयर नहीं की, और हम इसकी साइट विजिट करना चाहते थे, इसकी जो इसका जो करंट डेवलपमेंट स्टेटस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। तो करंटली थोड़ा सा मैं पहले लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन, एक जनरल ओवरव्यू देना चाहूँगी जस्ट इन केस उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं। बेसिकली जो लाहौर स्मार्ट सिटी है वो पाकिस्तान का दूसरा स्मार्ट सिटी है, इनका जो पहला स्मार्ट सिटी है वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। और लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली FEHL और HRL का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, इसकी जो मास्टर प्लानिंग है वो सुरबारा जरोंग ने की है। अब मैं अगर इनके मास्टर प्लान के जो प्लॉट्स में साइजेस डिफरेंट कटिंग्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करूँ तो इनके प्लॉट्स हैं 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए हैं जो कि 4 और 8 मरले में आते हैं, जिसकी बुकिंग्स भी क्लोज हो चुकी हैं और अब वो सिर्फ और सिर्फ रीसेल के ऊपर अवेलेबल है। इसकी अब मैं अगर डेवलपमेंट स्टेटस की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, डेवलपमेंट का काम यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जारी है, रोड्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, उसके अलावा मशीनरी वगैरह लगी हुई है, तो काम बहुत तेज़ी से जारी है क्योंकि इनका जो पेमेंट प्लान है बेसिकली वो है 3 साल का। और जो बुकिंग प्रोसेस है, इनकी बुकिंग स्टार्ट होती है 10% से और फर्दर उसके बाद आफ्टर 1 मंथ 10% कन्फर्मेशन के बाद इनका जो प्रोसेस है प्लॉट हासिल करने का वो स्टार्ट हो जाता है। इनकी 3 साल का पेमेंट प्लान है और इनकी 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। फर्दर मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और लोकेशन जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कोई भी इन्वेस्टर हो वो लोकेशन को लेकर काफ़ी कॉशियस होता है कि उसकी लोकेशन क्या है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। ये काला चाक काकू के पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है, और इसके अलावा इसकी जो 2 मेन एंट्रेंसेज हैं वो GT रोड से हैं और इसकी 1 एंट्रेंस जो है वो रिंग रोड की साइड से है। और अब मैं बात करूंगी लाहौर स्मार्ट सिटी के कुछ फीचर्स के बारे में, वो फैसिलिटीज़, वो अमेनिटीज़ जो वो अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। बेसिकली लाहौर स्मार्ट सिटी एक गेटेड कम्युनिटी है, तो सेंस ऑफ सेफ्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। उसके अलावा यहाँ पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम कैमराज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी रेजिडेंट्स के लिए, और इसके अलावा जो है टॉप मोस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, ड्रग स्टोर्स, ट्रीटमेंट सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। एक्सट्रीमली क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नॉन मेडिकल स्टाफ को यहाँ पर लाया जाएगा हेल्थ केयर के लिए। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर जो है सीवरेज का मैनेजमेंट सिस्टम और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो है बहुत वेल प्लान्ड होगा, और उसके अलावा मॉडर्न बिजनेस एरियाज, मार्केट प्लेसेस, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, मेगा मॉल, ये तमाम यहाँ के मास्टर प्लान में इंक्लूडेड हैं। पार्क्स और प्ले एरियाज बच्चों के लिए जो कि किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज एज वेल। अब इस वीडियो को एंड करते हुए मैं बुकिंग प्रोसीजर के बारे में बात करना चाहूँगी। बुकिंग प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल, ऑल यू नीड इज़ 2 CNIC copies एंड 2 passport size images ऑफ द मेन एप्लीकेंट एंड 2 CNIC copies एंड 2 passport size images ऑफ द नॉमिनी एज वेल। सो व्यूअर्स, ये थी एक लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट और एक लेटेस्ट वीडियो। नेक्स्ट टाइम इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। amanat.com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।